ये वाहिद एक मॉनेटरी इशू है, इसके अंदर ये सारी पैसे के ऊपर कहानी हो रही है, या इसके अंदर कोई और भी मुहरकात हैं, इसके अंदर कोई एज स्पोर्ट्स इसके अंदर क्या नुकसान हो सकते हैं, क्रिकेट क्या लूज करेगी इस चीज़ में से, इस सारे के ऊपर ज़रा हमें बताएं अपना ओपिनियन। एक्चुअली सबसे बड़ा तो इसमें आईसीसी का जो रोल है उस पे सबसे सवालिया निशान है, क्योंकि आईसीसी एज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ द गेम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी क्रिकेट बोर्ड को जो है वो दूसरे बोर्ड को फॉर एनी रीजन बुली ना करे। और इसमें इट इज अ केस लुक्स लाइक कि ये बीसीसीआई जो है वो बेसिकली पीसीबी को भी और आईसीसी को भी, उनके वो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है क्रिकेट में, तो वो उस वजह से बुली करने की कोशिश कर रहा है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट के बीसीसीआई डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट बोर्ड और इतने पैसे कमाने के बावजूद भी वो रेवेन्यू की वजह से ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान टूर्नामेंट होस्ट ना कर सके। और इसमें मोर देन एनीथिंग लाइक जो स्पोर्ट्स से ज्यादा मोर लुक्स लाइक के पोलिटिकल रीजन हैं कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह वो पोजीशन करते हैं अपने आप को, वो उस नैरेटिव को रखना चाहते हैं अपने साथ। तो उस नैरेटिव को अगर वो टीम पाकिस्तान भेजते हैं तो वो नैरेटिव को ठेस पहुंचती है। तो दैट इज आई थिंक द रीजन वाई, इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि बीसीसीआई को एज सच उस लिहाज से कोई इतना इशू है कि टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान होस्ट करे, बट इट इज मोर ऑफ जो पोलिटिकल प्रेशर है उनका डोमेस्टिक, उसकी वजह से जो ज्यादा इशू आ रहा है कि बीसीसीआई हेजिटेंट है कि पाकिस्तान अपनी टीम भेजे। और स्पेशली लास्ट ईयर जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए एग्री किया था इंडिया में, तो उसके बाद ये एक थी कि इसी क्विड प्रो क्वो के तहत हुआ होगा कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेल लेगा तो इंडिया पे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टूर करेगा, बट इट्स अनफॉर्चुनेट। और ये एक ट्रेंड है लाइक जो स्पेशली 2008 ऑनवर्ड्स हमें देखने में आया, स्पेशली जब से आईपीएल स्टार्ट हुई और इंडिया बड़ा बोर्ड बन गया है दुनिया का फाइनेंशियली, तो तब से ये एक स्ट्रेटेजिक पुश भी नजर आ रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, कि पाकिस्तान को एलिनेट किया जाए, पाकिस्तान की क्रिकेटर्स आईपीएल भी नहीं खेल सकते, पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेटर्स भी जो है वो वुमेन्स प्रीमियर लीग में उनको नहीं अलाउ किया जाता खेलना, और इंडिया बायलैटरल क्रिकेट भी नहीं खेल रहा पाकिस्तान के साथ। लाइक पाकिस्तान ने पिछले 2014 ऑनवर्ड्स टिल 2021 जो का जो फ्यूचर जो प्रोग्राम था उसमें पाकिस्तान ने कम से कम 5 सीरीज खेलनी थी इंडिया के साथ जो कि इंडिया ने नहीं खेली। तो ऑब्वियसली इंडिया को तो उतना रेवेन्यू लॉस नहीं होता, बट पीसीबी का जो रेवेन्यू लॉस है वो इस वजह से काफी ज्यादा होता है और उसकी कोई कंपनसेशन भी जो है नहीं हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।